लाल बटन दबाओ। इस्लामाबाद में कराची में मैंने कहा लाहौर में भी सेटअप अपना होना चाहिए। ये हमारा लेकिन वो शहर आप टाइगर वगैरह लेके आए थे, आप तीन चार टाइगर लेके आए थे, जानवर लेके आए थे, वो माशाल्लाह पैसे वो बड़े हो रहे हैं मेरे पास कराची में। अच्छा माशाल्लाह, एक लाइन मेरे घर पे है, ठीक हो गया। और इसी तरह इन पे चीजें आती रहती है, आपको पता है, आपको पता था आजकल मौसम चेंज हुआ है, जानवर बीमार हो रहे हैं, लोगों के बड़े जानवर पीले मटे हुए हैं, उनके लिए मेडिसिन वगैरह कैसे वो भी थोड़ा सा बता दें यार, थोड़ा मसला बना लोगों का। असल में आज कल डॉग फूड नहीं डालने चाहिए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, डॉग फूड के साथ ना कुत्ते को डॉग फूड अच्छी नहीं है आज कल। ठीक हो गया, डालें चिकन, अच्छा चावल दलिया ये डाल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और गर्दने वगैरह ज्यादा ना डालें हफ्ते में एक टाइम का। अच्छा, क्या करते हैं कि लोग ले लेते हैं गर्दने, ज्यादा गर्दने डालते हैं, कुत्ते को कब्ज हो जाती है, आंतरियों की इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा अच्छा, और बर्तन मुलाजम वगैरह धोते नहीं है, ठीक हो, इसी तरह ही डाले जाते हैं उसको, फिर पार्वो डिस्टेंपर इस तरह की बीमारियां आ जाती है, मौसम चेंज हो रहा था, बड़े मसले में शायद लोगों के लिए बने हुए। और ये मतलब ये कि ये इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अंधेरे में गर्मी में मच्छर आ जाते हैं, उनके आगे कूलर नहीं होता, पंखा नहीं लगा होता। अच्छा अच्छा, तो इसे मतलब डिजीज फैलती है, जैसे हमारे बच्चों को क्या कहते हैं निमोनिया टाइप होता है, बुखार वगैरह आ जाता है, इसमें भी ये चीज जानवर के लिए ठीक हो गया, इसमें भी वगैरह इस तरह की चीजें होती है। अच्छा मेरे भाई, आजकल केज वगैरह किधर बने हुए आजकल का डॉग वगैरह अपने पाकिस्तान के अंदर, दूध केज वगैरह कराची के अंदर आपको ना आपका सारा सेटअप हुआ है, पूरे पाकिस्तान में मैं ही इंपोर्ट करता हूँ, आगे डीलर लेके आगे बेचते हैं, आजकल बच्चे हैं जो हमारे आगे बेचते हैं, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों ने आपका नाम लेके कोई बड़े जानवर बेच रहे हैं जी। जी जी माशाल्लाह, लेकिन कहने का मतलब आप आजकल आपने केज वगैरह किधर मतलब ऑफिस किधर बनाया है? फार्महाउस एक मैंने इधर बनाया अपना मकान रोड के ऊपर, ठीक हो गया, स्टार्ट किया था केज बांध रहे हैं। अच्छा, एक कराची के अंदर है उसमें मतलब 3-4 करोड़ रुपए के लोग अभी मेरे अपने बाहर से इम्पोर्ट किए ब्रीडिंग के लिए, ठीक हो गया, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस भी है, इस तरह का ऑफिस है, और साथ में मेरा जो फार्म हाउस भी। अब लाहौर में मैंने इसलिए वापस आया हूँ कि यार ये मेरा अपना शहर है, शहर है हाँ। और इधर हम लोग अपना एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं। आप तो बड़े पुराना, आपका नाम चल रहा है ना, मैंने देखो पाकिस्तान में काम शुरू किया था माशाल्लाह, जब मैंने काम शुरू किया था लोग हंसते थे, अच्छा ये डॉग बिकते हैं, बिकते हैं, तो आज मैं उनपे हंस रहा हूँ, तो वही लोग ज्यादा बेच रहे हैं, वो जिम्मेदार, वो बड़े बड़े जरनैल, बड़े बड़े जरनैल माशाल्लाह लोग बेच रहे हैं, हाँ चीजें बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान में ब्रीडिंग इतनी हो गई है कि आप बाहर के मुल्कों में जाके ये बात है, देखो ये तो काम वो मामूली बंदे का काम तो नहीं ना, ये काम है आपको पता, पैसों का काम है, ये काम बंदा कर ही नहीं सकता। अब ये बहुत बड़ा काम, छोटा छोटा जानवर ले रहे हो 1.5-2 लाख रुपए का जानवर, इम्पोर्टेड जानवर लो, डिग्री लो, कहाँ से कहाँ जाती है बंदे की पेमेंट, कहाँ बंदा काम कर ही नहीं सकता। बस ये ऐसी है खान साहब, आप पता है कि आप माशाल्लाह आपसे मैं मुलाकात तो ये मैंने कहा चलो आज भाई से मुलाकात करते हैं जी, सर शुक्रिया, तो चलो हमारे नॉलेज में कुछ फायदा होगा जी। बस ये केयरिंग है आजकल बोल देना चाहिए पेट्स के लिए। अच्छा अच्छा, बर्तन साफ होना चाहिए, खाना सही होना चाहिए, ठीक हो गया, और सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए, जैसे हम खाते हैं वैसे बर्तन साफ होना चाहिए, डॉग का पानी शानी है वो बदलना चाहिए, और ये सारी चीजें है। जानवर बाहर से आता है तो अपने डोरों में पड़ा होता है, आपको पता ही चीज का है, तो पाकिस्तान में उसमें केयर मिलती नहीं, इसलिए जानवर थोड़ा ढीला होता है, लेकिन बहुत ज्यादा केयर करते हैं, कुत्ता मरता ही नहीं, मरता ही नहीं उनसे, इधर बचता ही नहीं है लोग, वो तो जुटी देके जाते नहीं अंदर, जाते नहीं, आपको पता कितने जम्स का ख्याल करते हैं, आदमी लगाने देते हैं वो दूसरे में, ऐसे ही है, ऐसे ही है, इधर तो बस हमारे कुत्ते को कुत्ता ही समझा, हाँ ऐसे ही है, आओ भी बाहर बैठने को बहुत अच्छा, पीते हैं कोई बैठते हैं, कोई बात नहीं है भाई, खाना खुना होता है इंशाल्लाह ताला, आपसे मुलाकात करके बड़ी बाकी है के बाकी इंशाल्लाह ताला, हां इनसे भाई से मुलाकात करके मालूम चाहिए हो अपने पेट्स के लिए, कोई बीमार हो जाए, कोई मामला कोई खराब हो डॉग्स वगैरह के लिए, बड़ी ब्रीड के लिए कोई मसला हो, फीडिंग ना कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं, वेट लॉस पे तो आप तो रابطہ करें, 24 घंटे हाजिर हैं ये भाई हमारे, हां जी दूंगा आपको, किसी किस्म का मछना भी हो जाए आपको वेट लॉस मिलेगा, मछला एक नंबर मिलेगा इंशाल्लाह, चार और आपका बच जाए।
थैंक यू वेरी मच। मेरा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।